हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये करवा चौथ के शाम का सीन है, तो मैं तैयार हो रही थी क्योंकि दिन भर तो हमारे यहाँ इलेक्शन था ना, तो वोटिंग के चक्कर में इतनी परेशान हो गई थी और मैं है ना वीडियो भी नहीं बना रही थी उस दिन से, ना किसी की लाइव में जा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी और पूरे घर आंगन में पानी पानी ही हो गया था। तो और लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ 4-5 दिनों से, तो नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती कि हाँ कितना पानी भरा हुआ है हमारे यहाँ। तो ये थोड़ा उस दिन थोड़ा कम हुआ है, तो ये करवा चौथ के दिन मैं तैयार हो रही हूँ। शाम का समय है तैयार होकर, तो उस दिन ये देखिए मैं कैसे कैसे क्या क्या तैयार हो रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ऐसे तो बाकी दिन नहीं होते हैं, लेकिन उस दिन हुई क्या हुआ, सुबह से मार्केट वगैरह भी नहीं गई थी, सामान वगैरह भी नहीं लाई थी, तो सामान भी लाना जाना था, बोटिंग के चक्कर में कुछ काम नहीं हो पाया था। और उसके बाद फिर मैं मार्केट गई, वहाँ से सब सामान लेके आई हूँ, उसके बाद तब खाना वगैरह बनाया, फिर ये मैं तैयार हो रही हूँ। तो खाना का सीन मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन मैं बताऊँगी कि क्या क्या मैंने बनाया था। और ये देखिए, ये हम लोग आलता लगाते हैं क्योंकि हर पूजा पाठ में हम लोगों के यहाँ आलता लगाना ज़रूरी रहता है, अच्छा लगता है, सुहागन सभी स्त्रियाँ लगाती है। ये देखिए मेरे पैर का लोक, और अब ये मैं तैयार हो रही हूँ और ये मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पूड़ी चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाया, और ये भजिए और ये खीर और ये है सब्जी बन रही है हमारी वही भजिए की। तो फिर उसके बाद तैयार हो बनाने के बाद फिर मैं ये चली गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मेरे पड़ोस में मेरे जेठ जी के यहाँ पे हैं, तो उन्हीं के घर गई हूँ, तो वहीं पे उनके छत पे ये पूजा कर रही हूँ, वहीं पे बना रही हूँ। आसन बिछाना है, वहीं पर मैं रंगोली बना रही थी आटे का। और ये पड़ोस में, हमारे ही पड़ोस में, वहाँ उनके छत पे भी सभी पूजन कर रहे थे, तो ये सभी का बाबू ने मेरे कैप्चर किया है सीन। और ये देखिए, ये मैं ना पूजन के लिए पूरा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और पूजन का मुहूर्त भी निकला जा रहा था, इसलिए मैं जल्दी कर रही थी। तो अब कैसे सभी अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ आप लोगों को। और सभी सामान और जल्दी थोड़ा वीडियो भी फास्ट किया है, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम का हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सभी हम लोग 3-4 जने एक जगह पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं उन्हीं के देरानी के जेठ जी के यहाँ पर पूजा करने आई हूँ, और उन्हीं की छत पे से, क्योंकि हमारे यहाँ से तो पूजा करने के बाद चांद भी दिखाई नहीं देता है, घर में भी ऐसा जगह नहीं है कि हम लोग पूजन कर सकें, मैं मशीन पे ही कर पाती हूँ पूजन। लेकिन ये फिर उनकी लड़की ने कहा कि चाची जी हमारे यहाँ आ जाइए पूजा करने के लिए, तो मैं उन्हीं के घर चली गई हूँ पूजन करने के लिए। और फिर इकट्ठा होकर पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये मैं सभी चीज़ तैयारी कर रही पूजन की, और सभी कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ आस पड़ोस के 3-4 लोग थे, वो सभी लोग आ गए थे और सभी साथ में पूजा कर रहे थे, और सभी छत पे पूजा कर रहे थे, सभी की जगह जिन के छत थे उन पे सभी पूजा कर रहे थे इकट्ठे होकर, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ये देखिए हमारा पूजन हो चला है। अब सभी अपना अपना पूजन की तैयारी कर चुके हैं और अब यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं ना पाठ करूँगी, कथा करूँगी। और ये मेरी जेठ जी की लड़की है जो साड़ी वगैरह सास के लिए रखी है, तो वो अभी यहीं थी तो यहीं पे कर रही है पूजा। तो हमारे यहाँ करवा पे ये सभी सामान रख के फिर बहन वो निकालते हैं, आपस में बदलते हैं। तो वो तो बेटी लगेगी मेरी, तो मैं तो नहीं उनसे करवा फेरूँगी, लेकिन वो उधर ब्लू साड़ी में है वो उसकी भाभी लगेगी, मोहल्ले की ही है, तो वो ननद भाभी फेर लेंगी और मैं अकेली फेर लूँगी करवा, क्योंकि मैं मेरे धीरन वगैरह नहीं मेरे साथ करी थी तो पूजा, इसलिए तो मैं अकेली थी, इसलिए मैं अपना अकेली ही उसका करवा फेरूँगी। और ये देखिए हम लोग आपस में पूजन करने के बाद आपस में सबका मतलब टीका लगाते हैं, लगा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पाठ करेंगे, और पाठ करने के बाद ही चांद निकल चुका था तो लेट हो चुकी थी ना मैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। और ये फिर मैं पाठ करने लग गई यानी कथा करने लग गई थी, तो मेहना नहीं पूरा क्योंकि बच्चे इतने शोर मचा रहे थे, नहीं तो मैं आपको उसके पाठ वो करवा चौथ की कहानी भी दे सुना देती, लेकिन बहुत बच्चे वहाँ पे बहुत से और सारे बहुत मस्ती कर रहे थे, उधर डीजे बजा रहे थे और नाच रहे थे गा रहे थे, इसलिए फिर ये मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था और ये आप लोगों को बता रही हूँ मैं। तो ये हमारे पूजा हो रहा है और कथा हो जाएगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने दिनों से वीडियो नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी की लाइव वगैरह में जा रही थी, यही कारण था कि मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़, एक इतना पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि पूरे गांव में सभी जगह मतलब पानी भर गया था। हम लोगों के यहाँ भी पूरे पानी भर गए थे, बरामदे में, घर में, सभी जगह पानी ही पानी हो गया था। और उसी बीच हमारे यहाँ लाइट भी चली गई थी, तो ट्रांसफार्मर ये इस बार भी फिर उससे जल गया था, इससे पहले भी ट्रांसफार्मर जल चुका है, जब बारिश होती है पता नहीं क्या हो जाता है और हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है। ये देखिए बच्चे कितने मस्ती भी कर रहे हैं तो भी। और फिर इसी तरह हम लोग पूजा करते हैं, आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग भी बताइएगा। और ये मैंने किया था इसलिए वीडियो मैंने शूट कर लिया, क्योंकि लाइट आ चुकी थी उस दिन, तो फिर वीडियो बना लिया मैंने, मोबाइल चार्ज हो गया था। तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह करने में। और ये अभी तो हम लोग फिर भी नहीं थे, नहीं तो पहले आठ आठ दस दस लोग इकट्ठे करते थे। तो अभी मैं जेठ जी के छत पे गई थी ना, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए थे, सभी अपने अपने छत हो गए हैं तो सभी एक दूसरे जगह पे जाके कर लेते हैं। अब हमारा तो नहीं है तो इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर एक कहानी मैंने कर ली, कथा कर लिया था, फिर दूसरे किताब ले उसका भी कहा कि कहानी कही, क्योंकि इसमें गणेश जी का करवा माता का कहानी कहा जाता है, तो वही दोनों किताबें हैं मेरे पास, दोनों की कहानियाँ अलग अलग थी, इसीलिए दोनों कथाएं मैंने पढ़ी। हमारा पूजा हो रहा है, पूजन करने में भी टाइम हो जाता है, मेरे को करते करते रात के 9 बज चुके थे, 9 से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी किया फिर भी 9 बज गए थे। और इतनी थकान थी उस दिन, क्योंकि ना उसी दिन वोटिंग थी और वोटिंग के कारण ही ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इधर उधर हम लोग भी गए थे और मेरे हबीबी इलेक्शन में खड़े हैं,
तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन बता रही हूँ कि वो भी खड़े थे इलेक्शन में, इसके कारण मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी थोड़ा, क्योंकि फिर हम लोग वोट डालने तो मैं सबसे पहले ही चली गई थी, मॉर्निंग में 7 बजे ही चली गई थी, और सबसे पहला वोट महिलाओं में मैंने ही गिराया था। और उसके बाद इधर उधर फिर जाना था सभी बूथ पे, इधर उधर मेरे पति ने कहा कि हाँ आप लोग भी घूम लीजिए, तो इसलिए सभी जगह घूमी। उसके बाद घर आई, फिर मार्केट गई, फिर मार्केट से सामान खरीद के लाई, जब तक मैं बहुत शाम हो चुकी थी। और उसके बाद खाना ना बनाना और फिर से नहाना, सुबह तो नहा ही चुके थे, फिर से नहा के फिर तैयार होना, तो ये सभी काम बाकी थे तो वो सब कर रहे थे। वो देखिए दूसरी छतों पे भी सब पूजा कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। और ये देखिए चांद भी उग चुका था, और ये हम लोग अब करवा फेर रहे हैं, तो वो ननद भाभी फेर रही है और मैं अकेली ही फेर रही हूँ क्या करे, कोई नहीं था तो अकेले ही फेर लेती हूँ। तो इस प्रकार 7 बार करवा हम लोग फेर लिए थे। और इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, उसको बता नहीं सकती। और ये देखिए अब उनकी पूजा करूँगी, तो पहले चांद की पूजा करूँगी, उन्हें देख चुकी हूँ, उसके बाद ये पूजन कर रही हूँ। तो जब चंद्रमा निकल जाता है तब उन्हें अर्घ देना पड़ता है, तो उसी तरह अर्घ दे रही हूँ। और ये करवा से पहले उनको पूजन कर लूँगी चांद को, और उसके बाद ही मैं, और लाइट भी कट गई थी जब पूजन कर रही थी उस समय भी लाइट चली गई थी। और कितना जल्दी जल्दी कर क्या करे, वीडियो फास्ट करना पड़ जाता है, नहीं तो अब ऐसे ही तो कोई वीडियो वॉच नहीं करता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो और वही वॉच नहीं करेंगे। और ये देखिए बल्ब जला रहे थे तो उस पर कितने कीड़े आ रहे थे, ये चार्जेबल बल्ब था वही है। और उसके बाद ये देखिए पूजन हो रहा है, और लाइट नहीं थी इसलिए ये बल्ब जलाया, और अब लाइट आ चुकी है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए मिठाई नहीं खा रहे हैं मैं कह सभी थे ना तो उनको सर मारी थी मिठाई खाने में, नहीं खा रहे थे, मैं कहा ज़बरदस्ती मैंने कहा खिला दो। और फिर ना शरबत भी, जब मुझे भी पानी पिलाने में ज़रा वो, मतलब दूसरे सभी खड़े रहते हैं ना तो शर्मा आ जाती है ना, तो इसी तरह वो नहीं पिला रहे थे पानी भी जल्दी। तो इसी प्रकार मैंने करवा चौथ का व्रत किया। अब आप लोग कैसे करते हैं देखिएगा, सभी लोग हंसते भी हैं।